हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखा हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम डिफेंस के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें डिफेंस रिलेटेड कौन से इन्फॉर्मेशन, कौन से स्टैटिस्टिक्स, कौन सा डाटा देखने को मिलता है, और खासकर इंडिया में खासकर डिफेंस सिस्टम को लेकर कौन सी चीज़ें जो बेसिक हैं हमें जाननी है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, खासकर जब हम डिफेंस कहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये दरअसल बहुत ही रिसेंटली बनाया गया है। आपने इससे पहले सुना होगा कि आर्मी के लिए एक चीफ हुआ करते थे, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, लेकिन एक कंबाइंड चीफ इन तीनों अलग अलग विंग्स का एक कंबाइंड चीफ जो है वो नहीं हुआ करता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड थी, बहुत सालों से डिमांड की जा रही थी, क्योंकि इंडिया में जो है जब हम मिलिट्री कहते हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं तो तीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्मी जो कि इन्फेंट्री है, ज्यादातर जो जवान वगैरह को जब आप देखते हैं, एयरफोर्स है जो खासकर वायुसेना है जो कि एयर का इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइट्स वगैरह, फाइटर जेट्स, फाइटर पायलट्स वगैरह होते हैं, और तीसरा जो है वो नेवी जो कि वाटर सेट जो है हमें डिफेंस देखने को मिलती है, डिफेंस करती है जो इंडिया के, जो इन तीनों को मिलाकर जो है वो इंडिया का डिफेंस सिस्टम बनता है। तो इन सभी के लिए जो है एक हेड होना चाहिए। ऑफकोर्स कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं, उनका कोई चेंज नहीं है इसमें, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये इन तीनों को एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, डिस्कशंस करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, यानी कि तीनों जो है इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री चीफ्स होते हैं या फिर तीनों विंग्स के अलग अलग जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो आते हैं वहां पर डिस्कस करते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनके बीच एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करते हैं। द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वॉज क्रिएटेड इन रैंक ऑफ फोर स्टार जनरल फ्रॉम 1 जनवरी 2020। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही रिसेंट है, इससे पहले ये पोजिशन जो है वो नहीं हुआ करती थी। तो ये फोर स्टार जनरल है, यानी कि फोर स्टार जनरल यानी कि सबसे बड़ा पोजिशन जो है एक आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, वो फोर स्टार का ही होता है। जितने भी हम जनरल्स को देखते हैं या फिर चीफ्स को देखते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवी हो, वो सभी फोर स्टार डेसिग्नेटेड ही होते हैं। तो ये फोर स्टार डेसिग्नेटेड ही एक पोजीशन बनाया गया है, जैसे कि मैंने कहा कि बस एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह रखा गया है। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स टू बी क्रिएटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शन एज इट्स सेक्रेटरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। एक स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री बनाई गई है डिफेंस के लिए, डिफेंस के प्रोक्योरमेंट वगैरह वो सभी जो है वो मिनिस्ट्री ही देखती है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि मिलिट्री अफेयर्स जितने भी हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मिलिट्री डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर जितने भी मिसाइल्स वगैरह खरीदते हैं, जो कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह देते हैं, या फिर स्टाफ का जो कोई भी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना है, सभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स देखती है। तो ये सेपरेटली बनाया जाएगा, जो कि CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हेड करेंगे। द CDS विल ऑल्सो बी परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी। तो स्टाफ कमिटीज भी होते हैं अलग अलग विंग्स के, तो वहां पर भी ये परमानेंट चीफ की तरह काम करेंगे, परमानेंट चेयरमैन की तरह होंगे। CDS विल हेड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, नेमली द आर्मी, द नेवी एंड एयरफोर्स। इन तीनों के लिए जो है एक हेड, एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह वो काम करेंगे। He will also head integrated headquarters of military of defense. Integrated military headquarters जो है अगेन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है मिलकर काम करते हैं, जहां कहीं पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर जरूरत पड़े वॉर फ्रंट पर, तो वहां पर भी ये एज अ परमानेंट हेड जो है वहां पर काम करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए खासकर इंडिया में किस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। द रीजनल कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ रीजनल सिक्योरिटी हैज प्रोग्रेस्ड सिग्निफिकेंटली अंडर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आपने सार्क का नाम तो सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जो है वो इसके मेंबर्स हैं, रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। तो सार्क माइनस पाकिस्तान अगर आप कर दें, बाकी के और एडिशनल थोड़े बहुत बर्मा, भूटान या फिर म्यांमार जैसे कंट्रीज को अगर आप इंक्लूड करें तो वो बिम्स्टेक बन जाता है। आप इन सभी के बारे में आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के जो सब्जेक्ट में वहां पर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी जो है बहुत से इस तरीके के मिलिट्री डेवलपमेंट्स किए गए हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू प्ले अ रोल इन ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अफगानी मिलिट्री को भी एक्टिवली हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं।
बायलैटरल एक्सरसाइजेस, बायलैटरल एक्सरसाइजेस यानी कि जो दो कंट्रीज के बीच मिलजुल कर जो मिलिट्री के एक्सरसाइजेस होते हैं, भले ही एयरफोर्स से हो, मान लेते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच कोई एक बायलैटरल एक्सरसाइज चल रहा है, तो खासकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, थोड़ा बहुत सोल्जर्स के बीच इंटरेक्शन वगैरह होगा। इस तरीके से हमारे दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा। बायलैटरल एक्सरसाइजेस सच एज मलाबार, जो कि यूएसए, जापान और इंडिया के बीच तीनों कंट्रीज के मिलिट्री जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच चलता है, और रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड किया गया था। सूर्य किरण जो कि इंडिया और नेपाल के बीच किया गया था, मित्र किरण जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच। इस तरीके से आपको ऐसे कई कई बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो देखने को मिलेंगे फॉर एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच बढ़ाने के लिए इस तरीके के कई एक्सरसाइजेस जो है वो किए जाते हैं। द कंट्रीज न्यू इंडियन ओशन पॉलिसी वॉज आर्टिकुलेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू मॉरिशस इन मार्च 2015। इंडियन ओशन की पॉलिसी भी, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम चाइना, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है वो एक्सपेंशनिस्ट कंट्री नहीं है अनलाइक चाइना। तो चाइना जो है वो बहुत एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, तो ज्यादातर लोगों का बिलीव जो है, खासकर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साइड ही होगा। तो इंडियन ओशन में जो है सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन ओशन पॉलिसी भी इश्यू की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द पॉलिसी एनकैप्सुलेटेड इन सागर मीनिंग सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर नाम से एक पॉलिसी भी रिलीज की गई थी कि किस तरीके से हम एनहांस करेंगे सिक्योरिटी को इंडियन ओशन की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे कि मैंने कहा कि एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, डिफेंस रिलेटेड ए टू जेड हर चीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। की टास्क ये करती क्या है, टू फ्रेम पॉलिसी डायरेक्शंस ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर। जो कोई भी डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज हो, जो कोई भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस लिए जाते हैं डिफेंस रिलेटेड, खासकर यानी कि जब हम डिफेंस रिलेटेड कहते हैं तो यहाँ पर एक सिविलियन लीडर होते हैं। आप सभी जानते हैं राजनाथ सिंह जो है वो प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन ये कोई एक मिलिट्री ऑफिसर तो नहीं है। तो ये एक सिविलियन पॉपुलेशन के लिए जो है एक सिविलियन पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचकर जो है मिलिट्री को अपने सजेशंस वगैरह देते हैं। तो मिलिट्री की जो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो यही मिनिस्ट्री जो है वो फॉर्मुलेट करती है, और बाद में चीफ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मुकुंद नरवाने साहब हैं जो कि प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो इस तरीके से वो सभी पॉलिसीज जो है वो या इस तरीके के चीफ जो है वो अप्लाई करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव विंग्स में। डिपार्टमेंट्स अंडर इट, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि DRDO, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अलग अलग कामों के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी कि तीनों अलग अलग विंग्स को मिलाकर एक डिफेंस स्टाफ की तरह बनाना, उन्हें एक ग्रुपिंग में जो है वो रखना। इट वॉज रेज्ड ऑन October 1, 2001 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द कारगिल रिव्यू कमिटी रिपोर्ट। तो कारगिल के वॉर के बाद जो कि 1999 में हुआ था, तो उसके बाद एक कमेटी रखवाई गई थी देखने के लिए कि और किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या क्या लूप होल्स हमने इंडो पाक वॉर में देखे हुए हैं उसे किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं कोऑपरेशन थोड़ा बहुत मिसिंग है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच। तो इन सभी के बीच और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और सिनर्जी ज्वाइंटनेस बढ़ाने के लिए चाहिए कि आप इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाइए, इंटीग्रेटेड मिलिट्री विंग्स को जो है वो बनाइए, जहां पर इन तीनों विंग से जो है अलग अलग लोग आएंगे, एक ही ग्रुप में जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे या फिर काम करना वो सीखेंगे, यहां पर इंटरेक्शन भी अच्छा होगा। इट वॉज टास्क टू फॉस्टर ज्वाइंटनेस एंड सिनर्जी अमॉन्ग्स द थ्री सर्विसेज। इन तीनों सर्विसेज को मिलाकर किस तरीके से हम अच्छे से और स्ट्रॉन्गर इंडियन मिलिट्री बना सकते हैं, इंडियन डिफेंस सिस्टम को बना सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल थ्री सर्विसेज, तो सभी तीनों सर्विसेज से भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो है, अब खासकर जब हम बैटल वगैरह कहते हैं पाकिस्तान से, चाइना से चल रही, तो इंटरनेशनल अफेयर्स से ही रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। DRDO अगेन रिसर्च रिलेटेड इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंसिंग, ये भी बहुत है, डिफेंस फाइनेंस के बारे में लेकर जो है यहां पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्रोवाइड्स सेक्रेटेरिएट एंड जनरल असिस्टेंस टू द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीज। तो एक कॉमन सेक्रेटेरिएट देता है जहां पर चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज जो होते हैं वो आ सकते हैं अपने अपने लोगों के, खासकर जो जवान्स होते हैं या फिर जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, जो कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सभी की बातें सुन सकते हैं, उन सभी के डेवलपमेंट के लिए जो है काम कर सकते हैं।
तो आइए थोड़ा बहुत देखते हैं कि इन तीनों के बीच किस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 4 स्टार जो जनरल्स होते हैं, फिर 4 स्टार जो डिजिग्नेशंस होते हैं, वो किस तरीके से देखे जाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो इन तीनों में भी जो इक्विवेलेंट है आप देख सकते हैं, जनरल ऑफ आर्मी होते हैं, ये भी 4 स्टार होते हैं। नेवी में जो चीफ होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उन्हें एडमिरल कहा जाता है, ये भी 4 स्टार ऑफिसर ही होते हैं। और एयरफोर्स में जो है एयर चीफ मार्शल होते हैं, ये भी जो है वो 4 स्टार ऑफिसर ही होते हैं। तो एयरफोर्स को हेड करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एयर चीफ मार्शल होते हैं, नेवी को हेड करने वाले एडमिरल होते हैं, और आर्मी को जो है आर्मी जनरल उन्हें कहा जाता है। और उनके नीचे जो है, अगेन आप जैसे कि देख सकते हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, इस तरीके से हायरार्की जो है वो घटती जाती है या फिर यहां पर से वो बढ़ती जाती है। नेवी में भी जैसे कि आप देख सकते हैं, एडमिरल के इमीडिएटली नीचे आप जो है वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल होते हैं, कॉमोडोर होते हैं, कैप्टन होते हैं, कर्नल कमांडर होते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, सब लेफ्टिनेंट होते हैं। एंड अगेन एयरफोर्स अगर आप देखें तो एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल होते हैं, एयर कमोडोर होते हैं, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर, इस तरीके से हायरार्की जो है वो बढ़ती जाती है। रिक्रूटमेंट, तो भाई आप में से कई लोग बेहतर जानते भी होंगे कि रिक्रूटमेंट डिफेंस का किस तरीके से होता है, मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। तो 2 तरीकों में जो है रिक्रूटमेंट होता है, एक थ्रू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड दूसरा नॉन यूपीएससी। तो यूपीएससी से जो है हमें सिर्फ ऑफिसर लेवल कैडर्स को जो है वो देखने को मिलता है। एक तो नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि हर साल लिखा जाता है तीनों विंग्स के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, जो है तीनों के लिए मिलाकर ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है। आपको जो है इनिशियली रिक्रूट किया जाता है, अगेन फर्दर जो है आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट वेज टू गेट इन। नेशनल डिफेंस अकेडमी, यहां पर भी जो है रिक्रूटमेंट होती है, नेवल अकेडमी के लिए भी जो है डायरेक्टली यूपीएससी ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट करता है। नॉन यूपीएससी, अगर यूपीएससी नहीं है तो आर्मी में किस तरीके से जा सकते हैं, थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, ये सभी जो है अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके तहत आप आर्मी में एंटर हो सकते हैं। नेवी में भी कुछ इसी तरीके से है, 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट बेस पर कैडेट एंट्री स्कीम, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल होता है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कीम, परमानेंट कमीशन टू एसएससी ऑफिसर्स, रिक्रूटमेंट थ्रू एनसीसी वगैरह, तो एनसीसी के थ्रू भी जो है आप रिक्रूट होकर जा सकते हैं, स्पेशल एंट्री स्कीम से कहते हैं। अगेन एयरफोर्स में भी जो है रिक्रूटमेंट थ्रू सर्विस सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, रिक्रूटमेंट थ्रू नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्सेट्रा, आपने एग्जाम का नाम भी सुना होगा एएफ कैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट आउट एग्जाम है। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो चलते हैं अलग अलग मिलिट्री के डिपार्टमेंट्स के लिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, खासकर डिफेंस को लेकर। द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज अ प्रीमियर ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन विच ट्रेन्स कैडेट ऑफ ऑल 3 सर्विसेज बिफोर इंडक्टिंग देम इनटू द रिस्पेक्टिव प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमीज। तो तीनों के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, तीनों के लिए कॉमन जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया नेशनल डिफेंस एकेडमी। यंग जो ज्यादातर लोग होते हैं +2 के बेसिस पर, या फिर +3 जिन्होंने क्या होता है डिग्री के बाद इमीडिएटली, या फिर ज्यादातर जो है वो इंटरमीडिएट के बाद ही जो है वो रिक्रूट करते हैं थ्रू एनडीए एग्जाम्स वगैरह, आपको वहां पर ट्रेनिंग वगैरह देकर आपको रिस्पेक्टिव विंग्स में जो है वो भेजा जाता है। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी डेहराडून इज अ प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इम्पार्टिंग प्री कमीशनड ट्रेनिंग टू द जेंटलमैन्स कैडेट। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी जो है वो मिलिट्री, खासकर मिलिट्री से रिश्यू से जो है वो रिलेटेड दिखती है। एस्टेब्लिश इन 1963 द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। सीडीएस से अगर आप एग्जाम लिखकर जाएंगे तो आपको जो है ओटीएस दे सकते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है। एंड इट वॉज रीडिजिग्नेटेड एज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फ्रॉम January 1, 1988 ऑन कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। द एकेडमी ट्रेन्स कैडेट फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, 14 साल के लिए जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो है ज्यादातर चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में जो है ट्रेनिंग दी जाती है। डिफेंस अंडरटेकिंग्स, थोड़े बहुत जैसे कि अभी मैंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन भी जो है इंडिया में चलता है, तो डिफेंस के अंडरटेकिंग्स जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी इंडिया में है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो हमें देखने को मिलता है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एस्टेब्लिश इन 1940 इज अ प्रीमियर एरोनॉटिकल कंपनी ऑफ एशिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज अ नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट, जो सरकार खुद प्रोक्योर करती है, जो बनाती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो खासकर एरोनॉटिक्स है, यानी कि जो फाइटर जेट्स वगैरह, जो प्लेन्स वगैरह जो खासकर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनवाता है। ये कंपनी प्रीमियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशिया में ही ये वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खासकर डिफेंस में मानी जाती है।
Bharat Electronics Limited, a Navaratna PSU, was established in 1954. The company has core competency in areas of defense communication, radars and missile systems, sonars, etc. So, defense related jo communication ke systems zaruri hai, radars wagera, missile systems jo hum istemal karte hain, wo sabhi Bharat Electronics Limited jo hai, wo provide karta hai. Bharat Earth Movers Limited, incorporated in 1964, is a mini Ratna company under the Ministry of Defense. Ye bhi jo hai, wo public sector undertaking hi hai. Bharat Dynamic Limited, a mini Ratna category 1 company, was incorporated in 1970 under the Ministry of Defense. It is a pioneer in manufacture of anti-tank guided missiles. यानी कि आप target करके जो है enemy के tanks वगैरह को hit कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी एक technology है. तो भारत Dynamic Limited जो है वो खासकर इस तरीके के defense के technologies, इस तरीके के defense को systems को जो है या फिर machines को जो है वो manufacture करता है. और आखिर में थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में भी जानते हैं. इंडिया में कौन से वो इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. ऑफकोर्स वैसे तो कई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं. वो है DRDO, विच इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक्सक्लूसिवली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ही ये काम करता है. It was created in 1958. DRDO has 46 laboratories. देश भर में अलग अलग में जो है 46 laboratories है, जहां पर खासकर डिफेंस रिलेटेड ही किस तरीके से हम मिसाइल्स बना सकते हैं, सबमरीन्स बना सकते हैं, टैंक्स, पायलट जेट्स वगैरह बना सकते हैं, फाइटर जेट्स वगैरह बना सकते हैं. इस पर जो है रिसर्च किया जाता है और नए नए जो है इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं. DRDO is headed by scientific advisor to रक्षा मंत्री जो के डिफेंस मिनिस्टर, who is also secretary department of defense research and development organization and director general of R&D. तो ये सभी जो है designations वहां पर आपको देखने को मिलेंगे. The DRDO ensures training to all cadres of personnel through training institutes like DIIT Pune, ITM Mussoorie and Defense Laboratory Jodhpur. तो जो कोई भी defense related research and development में है सभी के लिए बहुत अच्छी तरीके से training भी दी जाती है उन personnel को. खुद DRDO जो है इन सभी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ये थी चंद बातें आपको जाननी थी डिफेंस के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.